हेलो पढ़ंतुओं, फॉरेस्ट्री के अगले लेक्चर में द पढ़ंतु क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फॉरेस्ट्री में लास्ट जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, और अब आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में। कोल्ड डेजर्ट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हमको आज के लेक्चर में पढ़ना है वो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं। देखें, कोल्ड डेजर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कौन सा एरिया है जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक है, कंडीशंस क्या क्या हैं जिसके हिसाब से इसको कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, भारत में इसका वितरण किस किस क्षेत्र में है, कितना परसेंटेज है, कितना एरिया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डेटा जो आंकड़े हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे हम कि कोल्ड डेजर्ट जो एरिया है वो उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, लाइक अलग अलग कंडीशंस क्या होती हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गई, बायोटिक कंडीशंस हो गई, एडेफिक कंडीशंस हो गई, यानी कि सॉइल की जलवायु की, मिट्टी की, वर्षा की, ये सब परिस्थितियां क्या होती हैं। उसके बाद बात करेंगे कि ऐसे कोल्ड डेजर्ट एरिया में कौन सी प्रमुख वनस्पतियां होती हैं, कौन सी प्रमुख प्रजाति की स्पीसीज होती हैं, आपकी वनस्पति यानी कि वेजिटेशन होती है। वर्गीकरण देखेंगे कि कोल्ड डेजर्ट जो है वो उसका वर्गीकरण हम लोग देखेंगे, आपका जो क्लासिफिकेशन दिया गया है ना, जो आपका चैंपियन एंड सेट के द्वारा जो 16 टाइप्स के फॉरेस्ट बताए गए हैं उसमें कहां पर ये कौन से ग्रुप में आता है वो उसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कोल्ड डेजर्ट में वनीकरण कैसे होता है, हम एफॉरेस्टेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, उसका क्या महत्व है, क्या समस्याएं आती है जब हम लोग एफॉरेस्टेशन करते हैं, वनीकरण करते हैं, और कौन सी विधि को अपना करके हम वहां पर फॉरेस्ट्री जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फॉरेस्ट बना सकते हैं, ठीक, उसके बारे में हम बात करेंगे, विधियों के बारे में। और एक प्रमुख स्पीसीज है ऐसे कोल्ड डेजर्ट एरिया में, एक प्रमुख प्रजाति है वो है विलो, और उसकी खेती कैसे करी जाती है वो हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। क्लियर है? तो ये प्रमुख चीजें हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग सॉइल की कंडीशंस क्या है, साइट की लोकेशन क्या है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, कोल्ड डेजर्ट जो है इसको टेम्परेट डेजर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेट डेजर्ट। क्लियर है? या कहें कि सम शीतोष्ण मरुस्थल। ओके, सम शीतोष्ण मरुस्थल। ओके, यानी कि देखिए, ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा इलाका है कोल्ड डेजर्ट जो कि अत्यधिक ठंड का अनुभव करता है, बहुत ही कम टेम्परेचर जहां पे होता है, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर है, या एक डेन्यूडेड टेरेन है, यानी कि एक खराब इलाका है, बिखरा हुआ है, कटा हुआ एरिया है, ठीक है। ऐसे एरिया को हम लोग कोल्ड डेजर्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है, जहां के मौसम या जलवायु की बात करें या वहां की मिट्टी की बात करें तो ये एरिया पौधों के वृद्धि के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है, प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल नहीं होती वहां की जलवायु, वहां की मिट्टी। क्लियर? तो ऐसे एरिया को हम लोग कोल्ड डेजर्ट के अंतर्गत देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, दरअसल क्या होता है कि कोल्ड डेजर्ट वो एरिया है जो मेनली भारत के ट्रांस हिमालयन जोन में आती है, या कहें कि जो उत्तरी भारत है या उत्तर पश्चिमी भारत है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर का लेह लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है, जो कि अब एक अलग से आपका यूनियन टेरिटरी के रूप में अब अस्तित्व में आ चुका है। फिर उसके नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश का एरिया आप देखेंगे, और थोड़ा साइड में चलेंगे तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल प्रदेश है, ठीक, ये पूरा एरिया आपका किस में आएगा, मेनली इस कोल्ड डेजर्ट प्रदेश में, उस रीजन में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये लोकेशन ट्रेस करना है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, एक डेटा मैं आपको प्रोवाइड करता हूं। देखिए, वितरण जो है वो ट्रांस हिमालयन जोन में आपको मिलेगा,
ठीक, या उच्च गढ़वाल जोन में आपको मिलेगा, हिमालय में मिलेगा। ठीक, एक आंकड़े के अनुसार भारत का लगभग 74,809 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कोल्ड डेजर्ट एरिया में आता है, जिसमें मेनली इस 74,809 स्क्वायर किलोमीटर का 35% जो है वो हिमाचल प्रदेश, 25% जो है वो आपका लाहौल और स्पीति जिला कवर करता है। ठीक है, मुख्य रूप से याद रखिएगा जो एरिया है, ठीक, अभी मैं आपको मैप में बताऊंगा भी, ओके, याद रखेंगे, एक तो हिमाचल प्रदेश, दूसरा लेह लद्दाख, ठीक है, और इसी हिमाचल प्रदेश एरिया का ही एक आपका लाहौल और स्पीति डिवीजन जो है, जो स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, उसको भी आप याद रखिएगा, ये आपका कोल्ड डेजर्ट एरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखो ये जो एरिया आप देख रहे हो, ठीक, जो कि ट्रांस हिमालयन जोन में आ रहा है ना, तो देखिए मैप से मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये अत्यधिक ठंड, खराब इलाका या वहां की जो मौसम और मिट्टी है वो पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ऐसी क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस वहां पे आ जा रही हैं। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिएगा नोट्स में स्टार्टिंग में, ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको आगे लेते चलते हैं। देखिए अब एक मैप आपको मैं बताता हूं भारत का, देखें उत्तरी भारत का हिस्सा एक मैप के थ्रू हम लोग देखें, चलिए कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब देखो ये आपका जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख वाले एरिया, ठीक है, तो शीत जो आपका कोल्ड डेजर्ट एरिया है भारत में, ठीक है, वो आपका कहां पे दिखेगा, देखिए तो ये आपका ये पूरा जो है वो लेह लद्दाख वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये आपका कोल्ड डेजर्ट में आएगा। यहां पर आप आइए हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका इसी टोटल क्षेत्रफल के अंतर्गत आएगा, इसका जो वितरण है, है ना, और ये उत्तराखंड का जो आपका ये गढ़वाल वाला एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, अपर गढ़वाल रीजन, ठीक है, ये आपका जो है ना ये पूरा आपका किस में आएगा, कोल्ड डेजर्ट में आता है। ठीक है, ये तीन क्षेत्र बात समझ में आ गई, ये आपका लेह लद्दाख, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, और ये हो गया आपका उत्तराखंड वाला हिस्सा, गढ़वाल वाला हिस्सा, क्लियर है, इसको हमको कोल्ड डेजर्ट में लेना है। ठीक है, आपका ये सिक्किम वाला जो एरिया है ये भी कहीं आपका मिलता है, एग्जैक्ट डेटा एग्जैक्ट आंकड़े नहीं मिलेंगे, बट इतना आपका कोल्ड डेजर्ट एरिया में आता है, क्लियर इतनी चीजें। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखिए ये जो जोन है ना, ये जोन आपका किस में आएगा, ट्रांस हिमालयन जोन में आएगा। ओके, देखें ये आपका ट्रांस हिमालयन जोन है, ठीक है, अब ये एरिया जो है वो बहुत ऊंचाई में स्थित है, क्लियर, ठीक, अब बहुत ऊंचाई में तो स्थित है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इस एरिया में जो मानसून पहुंचता है, ठीक है, मानसून वर्षा की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसमें एक तो क्या होगा कि ये जो अरब सागर से जो जा रही है या बंगाल की खाड़ी से जो इधर जा रही है, ठीक है, वो इधर हिमालय में जाएगी, ठीक है, उधर ऊंचाई में उस पर्वत से टकरा करके वहीं पे या तो पर्वतों के बीच में क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, ठीक है, और धीरे धीरे फिर वो ठंडी होकर के बादल का निर्माण करेगी, इस तरीके से होता है। ठीक है, दूसरी चीज इधर आपका जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि पश्चिमी जो हवाएं आती हैं नमी लेकर के, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो यहां पर आएंगी। अब होगा क्या कि बहुत ऊंचाई में होने की वजह से होता ये है कि ये ठंडी हवाएं जो नमी लेकर के आई हैं ये वहां पहुंचती हैं, वहां ट्रैप हो जाती है, एक्यूमुलेट हो जाती है, ठीक है, ठहर जाती है,
और उसके बाद क्या होता है कि चूंकि बहुत ऊंचाई है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो ये संघनित होकर बारिश तो करेगी, लेकिन ये क्या करती है, ये बर्फ के रूप में बारिश करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्नोफॉल। बात समझ आ रही है? ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पानी की बूंदें नहीं गिरेंगी, यहाँ पे क्या गिरेंगी, यहाँ पे बर्फ के टुकड़े वहां पर गिरेंगे, बर्फ के रूप में बूंदाबांदी होगी, जिसको हम लोग स्नोफॉल बोलते हैं। बात समझ आई? ठीक है, तो अब भाई इस एरिया में पर्टिकुलरली स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, बर्फ गिर रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इस एरिया की जो मिट्टी है वो दरअसल उस हैवी स्नोफॉल को फेस करेगी, वो उसमें एक्सपोज हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से वहां की मिट्टी जो है उसमें कुछ ऐसी क्वालिटी से कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, कि वहां की मिट्टी जो है वो पर्टिकुलरली जो नॉर्मल जो ट्रीज हम अदर एरियाज पे हम देखेंगे वैसे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए उपयुक्त नहीं होती। क्लियर है? तो हमको कुछ सिस्टम वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, वहां के क्लाइमेट के हिसाब से अलग प्रजाति के वृक्ष होंगे। ठीक है कि नहीं? तो यही सारी चीजें हमको बात करनी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, दूसरा कौन कौन सी प्रजाति के वृक्ष ऐसे कोल्ड डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, वो प्रजाति में एक प्रमुख जो प्रजाति है जो सबसे नीचे मैंने लिखा था आपका विलो कल्टीवेशन, ठीक है, उसके बारे में हम पूरी खेती कैसे करते हैं वो हम लोग डिटेल में वहां पे बात करेंगे। क्लियर इतनी चीजें? तो ये ट्रेस करिएगा लोकेशन। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं और चलते हैं हम लोग किसमें। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो कोल्ड डिजर्ट है वो चैंपियन एंड सेट के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन से ग्रुप में आता है, वो पूरा यहाँ पे मैं आपका एक बना देता हूँ ग्रुप, उसके बाद फिर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, अब देखें कोल्ड डेजर्ट में वनों के प्रकार क्या होते हैं। ओके, तो देखिए चैंपियन सेट ने जो क्लासिफिकेशन किया था 1968 में, उनके अनुसार तो 16 टाइप की फॉरेस्ट होती हैं। उसमें कोल्ड डेजर्ट में से कौन से आपके वन के प्रकार हैं वो यदि हम लोग देखें तो मेनली आपका चार ग्रुप इसमें आता है। ठीक है, ग्रुप 13, ग्रुप 14, 15 और आपका 16। ये कौन कौन से हैं? तो एक तो जो हिमालय का जो शुष्क आपका शीतोष्ण वन है वो आपका कोल्ड डेजर्ट के रूप में आएगा। ठीक है, हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, जिसमें मेनली आपके जो नीले चीड़ के जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, चीड़ के वृक्ष का फॉरेस्ट, ठीक है, जूनिपेरस फॉरेस्ट हो गया, ठीक, और इसके अलावा कुछ झाड़ियां हैं, ठीक है, जैसे कि ये आपका हिपोफे माइरिकेरिया स्क्रब, जो कि जनरली जो हिमालय के जो आंतरिक क्षेत्र हैं वहां पे उस शाखाओं में मिलती हैं, ठीक है, और एक आता है पॉपुलर सेलिक्स फॉरेस्ट ऑन अपर इंडस वैली, ठीक है, सिंधु नदी की जो घाटी है, उच्च जो घाटी है वहां पर आपको ये सेलिक्स फॉरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, ये सेलिक्स के बारे में आगे चल के अभी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, मेनली क्योंकि ये प्रमुख एक प्रजाति है और इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, और क्या महत्व है बताऊंगा आगे। ठीक है, उसके अलावा ये हिमालयी शुष्क शीतोष्ण वन के अलावा सब अल्पाइन फॉरेस्ट, मॉइस्ट अल्पाइन फॉरेस्ट और ड्राई अल्पाइन स्क्रब, ये चीजें भी इसी के अंतर्गत आपकी आती हैं। ठीक है, सब अल्पाइन फॉरेस्ट जो है या अल्पाइन फॉरेस्ट वो है जहां पे जनरली जो वर्षा होती है वो 2500 से 3500 सेंटीमीटर की जो स्नोफॉल होती है वहां, उस एरिया को हम लोग अल्पाइन क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब उससे भी थोड़ा बहुत वेरी कर देंगे, कम ज्यादा कम ही होगा, तो वो सब अल्पाइन क्षेत्र, सेमी अल्पाइन क्षेत्र, ऐसा उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, मेनली भैया तो इसमें आपका यह आर्द्र हिमालयी जो सब अल्पाइन क्षेत्र है जिसमें फर के जो फॉरेस्ट है वो इसके अंतर्गत आएंगे। झाड़ियों के जो फॉरेस्ट है, मेनली झाड़ियों की जो प्रजाति है उसमें मेनली आपका एक आपका रोडोडेंड्रॉन है। ठीक, ये आपका पर्णपाती अल्पाइन है, डेसिडुअस अल्पाइन, पर्णपाती यानी कि जो आपके क्या पत्तियां झड़ा देती हैं, ऐसे फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, ऐसी झाड़ियां आपको मिलेंगी, अल्पाइन पॉस्चर्स आपको मिलेंगे, और वैसे ही शुष्क अल्पाइन झाड़ियां भी आपको यहाँ पर मिलेंगी कोल्ड डेजर्ट एरिया में। तो ये आपके ऐसे वन के प्रकार हैं। अगर वनस्पति के प्रकार की यदि हम बात करें, ठीक है, तो वनस्पतियों में देखो तीन अलग अलग जोन में हम उसको बांट सकते हैं। कोल्ड डेजर्ट में जो वनस्पति मिल रही है, जो वेजिटेशन हो रहा है, उसको हम लोग जोन के हिसाब से तीन अलग अलग बांट सकते हैं। एक तो इसमें आता है आपका शुष्क शीतोष्ण जोन, ड्राई टेम्परेट जोन, जिसके अंतर्गत तीन ये प्रजाति, तीन स्पीसीज की वनस्पतियां आप देख रहे हैं। एक है बैटुला यूटिलिस, सेलिक्स सैप और आपका जूनिपेरस रिकर्वा। ठीक, दूसरा आता है अल्पाइन जोन। अल्पाइन जोन के अंतर्गत मेनली आपके जूनिपर्स, बिर्च, आपका रोंडो, आपका रोडोडेंड्रॉन विथ ग्रासेस। ठीक, और तीसरा जो है वो है आपका
परपेचुअल स्नो जोन, ठीक है, ये वो जोन है जो कि सतत स्नोफॉल वहां पर रेगुलर होते ही रहता है और उसकी वजह से वहां की जो मिट्टी है वो टोटली क्या है कि फ्रोजन हो चुकी है, ठीक है, लगातार उस पर स्नोफॉल होने की वजह से वो एक क्या हो गया, फ्रोजन सॉइल के रूप में वो अपने आप को कन्वर्ट कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में वहां पर यानी कि परपेचुअल स्नो जोन में, सतत स्नो जोन में आपको वेजिटेशन नहीं मिलेगा। तो ये मेनली वो जोन है जो नो वेजिटेशन यानी कि किसी भी प्रकार की वनस्पति आपको ऐसे जोन में नहीं मिलेगी। तो ये कोल्ड डेजर्ट के जो वनस्पति के आधार पे जहां पे वनस्पति होती है नहीं होती है, उसके आधार पे तीन जोन में हमने बांटा, ड्राई टेम्परेट जोन, अल्पाइन जोन और परपेचुअल स्नो जोन। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये वन के प्रकार और ये वनस्पति के प्रकार, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। कितने प्रकार में बांटे गए हैं, कौन कौन सा ग्रुप है, ऐसा हमको क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। और यदि ये भी पूछ सकता है कि ड्राई टेम्परेट जोन में, कोल्ड डेजर्ट के शुष्क शीतोष्ण जोन में, इसमें से कौन सी प्रजाति की वनस्पति पाई जाती है, ठीक, या पूछ देगा वनस्पति का नाम देके कि जैसे कि सेलिक सेप है, ये आपका कोल्ड डेजर्ट के कौन से जोन में पाया जाता है, ठीक है, तो वो शुष्क शीतोष्ण जोन यानी कि ड्राई टेम्परेट जोन में पाया जाता है। इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे बनेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और कोल्ड डेजर्ट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, चलिए हम बात करें कोल्ड डेजर्ट में क्या विशेषताएं होती है प्रमुख, जिसमें विशेषताएं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि वहां पर जलवायु कैसी है, मतलब मेनली टेम्परेचर और रेनफॉल की हम बात करेंगे, वर्षा की बात करेंगे यानी कि जलवायु में, और फिर बात करेंगे कि मिट्टी वहां की कैसी है यानी कि हम एडेफिक फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, वही सब कंडीशन बात करना है। तो पहली बात तो ये कि भाई कोल्ड डेजर्ट है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम होता है क्योंकि एक तो ऊंचाई बहुत ज्यादा है, ऑलरेडी ट्रांस हिमालयन जोन आप देख रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो वो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है, जितना टेम्परेचर कम होते जाएगा तो वहां की जो वायु है वो ठंडी होकर के बारिश करने के बजाय यानी कि पानी की बूंदों के रूप में गिरने के बजाय क्या करती है, वो हिमपात करती है यानी कि स्नोफॉल करती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल रहेगा यहाँ पर। स्नोफॉल जो है वो जनरली आपका नवंबर के लास्ट में चालू होता है और अप्रैल तक वो चलता रहता है। ये इस कोल्ड डेजर्ट एरिया में हिमपात का समय है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हिमपात होगा और वैसे ही रेनफॉल जो है यानी कि वर्षा जो होगी यानी कि पानी की बूंदें जो गिरेंगी वो बहुत कम होगी। अगर हम लोग औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो वो 400 mm से भी कम होता है कोल्ड डेजर्ट में। ओके, शुष्क एटमॉस्फेयर रहेगा, ठीक है, वातावरण जो है, विंड इरोजन यानी कि हवा का कटाव जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो भौगोलिक रूप से यदि देखा जाए तो क्षेत्र में जो है अलग अलग प्रकार की या ऊंची नीची पहाड़ियां पठार ये सारी चीजें मिलेंगी, उसकी वजह से हवा का कटाव बहुत ज्यादा उसमें होगा, विंड इरोजन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सॉइल, मिट्टी की बात करते हैं। पहली बात ये कि मिट्टी जो है वो रेतीली होती है, ठीक है, रेतीली या थोड़ी सी सैंडी लोम टाइप की होती है। दरअसल क्या होता है, देखिए कि इस एरिया में क्योंकि एक तो हमेशा स्नोफॉल जो है बहुत हैवी होता रहता है, ठीक है, अब देखो होता क्या है कि भाई मिट्टी कैसे बनती है, ठीक है, अगर जियोलॉजिकल वे में हम लोग जाके देखें तो मिट्टी जो है वो भाई जो जमीन के नीचे जितने भी चट्टान हैं, ठीक है, वो चट्टान हजारों लाखों वर्षों के बाद धीरे 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 क्या होते रहता है, उसमें परिवर्तन होता रहता है और वो मिट्टी का रूप लेता है, ठीक है। अब यहाँ की जो मिट्टी है या यहाँ की जो चट्टान है, भौगोलिक क्षेत्र की बात करूं तो वो चट्टान क्या है कि हिमपात की वजह से हमेशा बर्फ से ढकी रहेगी, इस तरीके से होगा, ठीक है, नहीं भी ढकी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो ढकी रहेगी, स्नोफॉल की वजह से वो उस पर एक्सपोज होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ की चट्टान जो है वो पूरी तरह से मिट्टी में परिवर्तित नहीं हो पाई है, ठीक है, तो वो थोड़ी रेतीली हो जाती है। ओके, तो मिट्टी जो है वो क्या रहेगी आपकी, सैंडी और सैंडी लोम टाइप की होगी, और इसी वजह से अभी यदि हम लोग पीएच देखें, पीएच वैल्यू यहां पे देखें तो पीएच के वे में यदि बात करें तो ये न्यूट्रल से
थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, थोड़ा एल्कलाइन प्रवृत्ति का होगा यहाँ की जो मिट्टी है। ठीक, दूसरी चीज कार्बनिक पदार्थ की जो मात्रा है वो बहुत ही कम मिलेगी, खराब कार्बनिक पदार्थ इसमें मिलेंगे। ठीक है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि जो मिट्टी में जो पानी को धारण करने की जो क्षमता होती है, प्रतिधारण करने की क्षमता, वो इसमें कम पाई जाएगी। क्लियर है ना, मतलब कि वाटर को कब तक वो होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, मिट्टी में जैसे कि आपके पोरस जो मिट्टी होती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें हवा या पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है जितना वो रख सकता है, उसके बाद बाकी चीज बाकी जो है एक्स्ट्रा जो वाटर अमाउंट है या एक्स्ट्रा जो एयर अमाउंट है वो क्या हो जाता है, पास हो जाता है, बाहर हो जाता है। ठीक है, तो वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर क्या होगी, लो होगी। क्लियर है। दूसरी बात, चूंकि यहाँ पर एक तो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में वो आपकी वहां की मिट्टी है ना, तो ऐसे में जो ग्रोइंग पीरियड है वो क्या रहेगा, बहुत ही नेरो रहेगा। मेनली जो समर वेकेशन होगा, सॉरी समर जो कंडीशन होगा यानी कि जो मिट्टी में जो एरिया है वो एरिया गर्मी का जो मौसम है, हॉट कंडीशन है, तो उसी टाइम पर ही क्या होता है, ग्रोइंग पीरियड रहता है। तो ग्रोइंग पीरियड जो है वो क्या है कि बहुत ही कम होता है, शॉर्ट होता है, नेरो होता है। ठीक है, उसी पर्टिकुलर एरिया में ही क्या करेगा, जो प्लांट है वो ग्रो करेगा उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ओके, सो इट इज नेरो एंड समर टाइम पे ही वो ग्रो करेगा। ठीक है, पर्टिकुलरली उसी टाइम पे ग्रेजिंग पीरियड भी रहेगा, यानी कि चराई का भी जो समय है वो वही टाइम रहेगा, 3 से 4 महीना, बाकी टाइम तो पूरा 0 डिग्री से कम टेम्परेचर रहेगा, और इस तरीके से सारी चीजें कंडीशन यहाँ पे निर्मित होती है। ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन जो है वो बहुत लो रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होती है, अत्यधिक ठंड के मौसम की वजह से जो वनस्पति है उसमें ग्रोथ, उसमें वृद्धि बहुत ही कम होती है। क्लियर है यहां तक? ठीक, तो ये कंडीशंस की बात हो गई, विशेषताओं की बात हो गई। अब अगर स्पीशीज की बात करें तो देखिए, अलग अलग प्रजातियों में मेनली हम लोग झाड़ियों की प्रजाति देखेंगे, ट्रीज की प्रजाति देखेंगे, और ऐसे कोल्ड डेजर्ट एरिया में जो ग्रासेस होती है, जो घास होती है, वो कौन कौन सी प्रजाति की होती है वो हम लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट स्पीसीज यदि बात करें तो इसमें आपका पाइनस, आपका जेराडिनियाना, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका डेफिन एक्यूमिनेट, इंडिगो फेरासेप हो गया, डेस्मोडियम, ठीक, ब्यूटिया माइनर और आर्टिमिसिया सेप। ठीक है, ये इतना आपका मेन ट्रीज की प्रजातियां हो गई। ठीक है, श्रब्स झाड़ी की प्रजाति देखेंगे तो बर्बेरियस वल्गेरिस, रोजा वेबियाना और हिपोफे रामोनॉइडस। ठीक है, वहीं घास की बात करेंगे तो घास की प्रजातियों में मेनली आपका लोलियम, पोवा अल्पाइन और आपका सिम्बोपोगन, ये जो ग्रासेस हैं, ठीक, ये कोल्ड डेजर्ट रीजन में आपको ये प्रजाति की मेनली ग्रासेस, श्रब्स यानी कि झाड़ी और ट्रीज आपको मिलेंगे। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अभी नेक्स्ट इसमें हम लोग जो टॉपिक करेंगे अब वो हम लोग इसमें पढ़ते हैं आपका कि किस तरीके से एफॉरेस्टेशन किया जाता है, वनीकरण कैसे होता है कोल्ड डेजर्ट रीजन में। ओके, देखें और उसकी विधियां क्या है, क्या समस्याएं हमको फेस करनी पड़ती है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। देखें अब देखेंगे कोल्ड डेजर्ट में वनीकरण कैसे करेंगे, वनीकृत कैसे होगा, एफॉरेस्टेशन कैसे होगा। ठीक है, देखो पहली चीज ये कि इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम को ये जरूरत पड़ी कि भाई हम वनीकृत करें। तो भाई देखिए, कोल्ड डेजर्ट है और एक स्पेसिफिक प्रजाति के पौधे यहाँ पर हो रहे हैं, वृक्ष यहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, और मेनली वहां के लोगों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जितनी लकड़ियों की जरूरत है, वुड की जरूरत है, उतना वो नहीं हो पाएगा। क्लियर है, क्यों? क्योंकि वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, जो जलवायु है, अगर उसकी बात करें तो बिल्कुल विपरीत है वो। ठीक है, तो बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए वनीकृत करना बहुत जरूरी है। ओके, जैसे कि जो लकड़ी है, ठीक है, तो कोल्ड टेम्परेचर, वहां पे टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो मेनली फ्यूल के रूप में लकड़ी चाहिए, ईंधन के रूप में, ताकि तापमान संतुलन बना रह सके, लोगों को अपना शरीर का संतुलन बनाने के लिए, ताप का संतुलन बनाने के लिए लकड़ी जलाने की जरूरत पड़ेगी। एक ये चीज हो गई। दूसरी बात यह कि कोल्ड डेजर्ट हो गई है तो उसमें मेनली स्पेसिफिक ही पौधे हो रहे हैं, तो वहां के जो जीव जंतु वहां जो रह रहे हैं उनको चारे
की भी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो उनके चारे की कमी को पूरा करने के लिए हमको यहाँ पे अफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे वनीकरण हमको करना पड़ेगा, क्लियर है। और भी डोमेस्टिक पर्पस के लिए लकड़ियों की जो जरूरत है या वहां पे रहने वाले जो लोग हैं उनको एक सुविधापूर्ण जीवन देने के लिए लकड़ियों की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो अफॉरेस्टेशन हमको वहां पे करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, ढलान वाली जगह है, खड़ी ढलान वाली जगह है, तो वहां पर सॉइल इरोजन का भी खतरा है कि बारिश हुई है जो हो रही है उसकी वजह से सॉइल जो है उसका कटाव होगा, मिट्टी का कटाव होगा, बह जाएगा, क्लियर है बात। तो वनस्पति रहेगी तो सॉइल इरोजन जो है उसको भी रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से हमको एफॉरेस्टेशन की जरूरत पड़ती है। नाउ अब ठीक है, एफॉरेस्टेशन तो करना है, लेकिन समस्याएं क्या है? कुछ समस्याएं तो है भाई, क्यों? पहली बात ये, ऊंचे नीचे जगह है, उथली जगह है, पथरीली मिट्टी है, ठीक है, उसकी वजह से वहां पर हमको प्लांटेशन करने में दिक्कत जाएगी, ठीक है। ये सारी समस्याओं को हमको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि आपका एक तो हैवी विंड इरोजन है, ठीक है, खड़ी ढलान है जिसकी वजह से विंड इरोजन होगा, हवा का कटाव होगा, ठीक। दूसरी बात ये कि आपका जो साइट है, ठीक, साइट लोकेशन वो बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि साइट जो है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को प्लांटेशन करना पड़ता है, लोकेलिटी फैक्टर के हिसाब से हमको वनस्पति की कौन सी प्रजाति वहां पर लगेगी वो हमको सिलेक्शन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो कोल्ड डेजर्ट जो है वो वनीकरण के लिए थोड़ा सा एक टफ टास्क हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां का क्लाइमेट विपरीत है, वहां की सॉइल जो है वो उतने पोषक तत्व उसमें नहीं है और उतने न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं है। इन सभी चीजों को देखते हुए कि कैसे प्लांट उसमें ग्रो करेंगे उसको सिलेक्शन हमको करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो यदि मेथड की हम लोग बात करें तो सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ स्पीसीज, ओके, पर्टिकुलर अलग अलग साइट के हिसाब से कौन सा सुटेबल स्पीसीज होगा, प्रजाति होगी जिसको हमको वहां पे प्लांटेशन करना पड़ेगा, वनीकरण के लिए प्लांट हमको ग्रो करना पड़ेगा, तो उसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेनली चार चीजें हैं। नंबर वन, रॉकी यानी कि चट्टानी क्षेत्र है, ठीक है, यदि आपका कैलकेरियस सॉइल है, ठीक है, यदि ठंडा जगह है, कोल्ड टेम्परेचर है, या फिर आपका नम क्षेत्र है, ठीक है, मॉइस्ट एरिया है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये प्रमुख प्रजातियों की वनस्पति जो है इसका वनीकरण हमको करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो ये हमको याद कर लेना होगा, ठीक है। तो चट्टानी एरिया में आपका पाइनस अरमांडी और पी एंक्सियाना और पी एल्डारिका ये होता है। कैल्केरियस सॉइल है तो उसके लिए पी ल्यू कोडर्मिस हो जाता है, ठीक। कोल्ड टेम्परेचर है तो यूकेलिप्टस पार्विफ्लोरा, ई गुनी और ई एग्रीगेट। फिर आपका मॉइस्ट एरिया है तो बेटुला यूटिलिस और सेलिक्स सेप जो है ये प्रमुख प्रजाति है जिसको वहां पर हमको लेना होता है, क्लियर। नाउ अब दो मेथड है वनीकरण करने का, ठीक है, कितने मेथड है? दो प्रमुख मेथड। पहली चीज ट्रेंच कम पीच टाइप और दूसरा है इरिगेशन कम ट्रेंच टाइप, ओके। यानी कि देखो ढलान वाली जो जगह है ना, ठीक है, बहुत ये सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ट्रेंच यानी खाई, ठीक है, तो खाई भी और गड्ढा भी, ठीक है, ट्रेंच कम पीच टाइप इस तरीके से बनाना है। दूसरा इरिगेशन कम ट्रेंच टाइप, जो ढलान वाला एरिया है उसके लिए ये वाला जो मेथड है ट्रेंच कम पीच टाइप उसको अप्लाई करना ज्यादा अच्छा रहता है। इरिगेशन कम ट्रेंच टाइप यानी कि एक हम लोग खाई के रूप में हम लोग प्लांटेशन करेंगे और जिसमें इरिगेशन पर्पस जो है वो भी फुलफिल हो जाएगा। तो ये जो है मेनली जो रिवर बैंक्स होते हैं, नदी का जो किनारा होता है या दलदली क्षेत्र है, तो वहां पर हम इसका यूज करते हैं। कैसे? अब देखिए, ये यहां पर इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, देख लीजिएगा। हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलर ये जो ढलान वाला जो एरिया होता है, जैसे ढलान वाला एरिया, ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, ये इस तरीके से हम लोग ये प्लांटेशन करेंगे लाइक दिस, ठीक है, वनीकरण एफॉरेस्टेशन करेंगे ऐसे, ठीक है। ये जो दिख रहा है ये खाई वाला एरिया हो गया, ठीक, ये वाला एरिया जो दिख रहा है खाई वाला, ठीक है, और ये जो आप दिख रहा है ये आपका क्या करना है, यहाँ पे हमको प्लांटेशन करना है, ठीक है, ये यहाँ पर प्लांटेशन करना है लाइक दिस, ठीक। तो इससे होता क्या है, सरल समझो, ये कुछ स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं उसको ध्यान रखते हैं। जैसे ये 60 सेंटीमीटर इधर 60 सेंटीमीटर ये हो गया, ये गड्ढा रहेगा, खाई रहेगा, ठीक, ये खाली रहेगा, ओके। और इसमें 120 सेंटीमीटर यानी कि जितना इधर छोड़े हैं जितना इधर छोड़े हैं इस टोटल लेंथ के बराबर यहाँ पर इस तरीके से हमको ये करना है, ठीक। कैसे किए? ये हमने यहाँ पे गड्ढा किया और ये हमने लगा दिया यहाँ पे
पेड़। गड्ढा करने से जो मिट्टी बाहर आई वो हमने यहाँ पर ये क्या कर दिया, उसको माउंट्स यानी कि जो हमने प्लांटेशन किया है ना, ठीक, यहाँ पे सारी मिट्टी को ऐसे दबा दिए, क्लियर, चारों तरफ से लाइक दिस, ओके, ताकि इसको पकड़ के रखा रहे, ओके। तो ये जो है ये जितना ऊपर है 45 सेंटीमीटर ऊपर, उतना ही यहाँ पर अंदर कितना 45 सेंटीमीटर, क्लियर इतनी चीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो प्लांटेशन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, देखो अभी ढलान है, जैसे बारिश भी हुई, ठीक है, तो बारिश होगी तो क्या होगा कि ये जो पानी है वो इन गड्ढों में इस तरीके से भर जाएगा, यहाँ पर पानी लाइक दिस, ठीक है, वाटर, तो वाटर यहाँ पे कंजर्वेशन हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, तो इससे क्या होगा धीरे धीरे इसको यहाँ पे इसलिए क्या होता जाएगा, पानी इसको मिलता जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर ये प्लेन होता, ठीक है, ये इस तरीके से प्लेन होता तो होता क्या कि पानी के फोर्स की वजह से ये सीधा यहां पर जो मिट्टी है वो क्या हो जाती, बह जाती, ठीक है, सॉइल एरोजन बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर प्लांटेशन यहाँ पे नहीं हो पाता। लेकिन हमने क्या कर दिया, गड्ढा कर दिया, तो क्या हो रहा है कि यहां पर जब पानी आ रहा है तो पहले ही इस तरीके से यहां पर वो एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इस पर उतना फोर्स नहीं पड़ रहा है, क्लियर है बात, ठीक है, जो थोड़ा बहुत ऐसे जा भी रहा है तो फिर यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है, बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से ये हम प्लांटेशन करते हैं, इससे क्या होता है कि मेनली हम लोग यूटिलाइज करते हैं जो मिट्टी में यहाँ पर जो पोषक तत्व है उसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन भी यहाँ पे हो रहा है, ठीक। तो ऐसे ढलान वाले एरिया में या नदियों के किनारे वाले एरिया में इस ऐसे प्लांटेशन करने से हमको फायदा मिलता है, और कोल्ड डेजर्ट में मेनली हम लोग यही दो टाइप के जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं, क्लियर इतनी बातें, ठीक, इसको याद रखिएगा। चलिए एक लास्ट जो आज का टॉपिक है वो है आपका विलो कल्टीवेशन, ठीक है, विलो, विलो जो है, देखिए वैज्ञानिक नाम इसका याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। विलो जो है ये इसका सामान्य नाम है, ठीक है, सफेद विलो, या इसी को क्रिकेट बैट विलो भी कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम जो है वो है सैलिक्स एल्बा, ठीक है, सैलिक्स एल्बा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलिक्स एल्बा प्रजाति की एक जो ट्री होती है, एक जो वृक्ष होता है, ठीक, उसी से ही बैट मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, क्रिकेट बैट उससे बनाया जाता है, इसलिए इसको सामान्य रूप से सफेद विलो, व्हाइट विलो या क्रिकेट बैट विलो कह देते हैं, ठीक है। बाकी स्थानीय जो नाम है वहां पर जो लोकल नेम है वो इसका नाम है बुटवीर या बीवीर, या फिर इसी को विषभूषण भी कहते हैं, क्लियर है। मेनली इसका जो वितरण मिलेगा वो आपको मिलेगा पश्चिमी हिमालय वाले एरियाज में, वेस्टर्न हिमालय वाले रीजन में, ठीक है, जो मेनली आपका मीन सी लेवल से, समुद्र तल की से 2400 मीटर की जो ऊंचाई है, जनरली वहां पर ये जो विलोस हैं वो अच्छे ग्रो करते हैं, ठीक है। अगर स्थान के नाम कहूं तो फिर काश्मीर और जो कुल्लू घाटियां हैं, कुल्लू की घाटियां और काश्मीर की घाटियां, वहां पर ये इसका वेजिटेशन होता है, इसका कल्टिवेशन होता है। इसके लिए जो फेवरेबल कंडीशन से भी उसकी बात करें तो थोड़ा सा नम तापमान चाहिए, मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए, यानी कि मिनिमम जो टेम्परेचर है विंटर सीजन में वो 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, और गर्मियों में यदि बात करें तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान ये क्या कर सकता है, उसमें ग्रो हो जाता है, ठीक है। वहीं रेनफॉल की बात करें तो जो वार्षिक वर्षा है, औसत वर्षा, वो आपका एनुअल रेनफॉल 600 से 1000 mm के बीच होना चाहिए, मिनिमम 600 mm, मैक्सिमम 1000 mm तक की वर्षा जहां पे हो रही है, ठीक। 0 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक का जो तापमान है वहां पर ये व्हाइट विलो होता है, और मेनली जो ऊंचाई जो चाहिए, मेनली जो मीन सी लेवल, वो आपका मिनिमम 1200 आपका मीटर होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 2100 मीटर की ऊंचाई तक, ये जो कि मीन सी लेवल से ऊंचाई की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ये आपका विलो कल्टीवेशन किया जाता है, क्लियर है, ठीक। विलो कल्टीवेशन में जो बोलना चाहिए प्लांटिंग की जो टेक्निक्स रहेगी वो या तो सेट में हम करेंगे, ठीक है, या फिर प्लांटिंग जो है वो बाय रूट भी होगा, जड़ के साथ भी उसकी प्लांटिंग की जा सकती है, क्लियर है। और एक सिल्वीकल्चर सिस्टम में हम लोगों ने एक पढ़ा था, उसको आपका एक चीज बोला जाता है पोलार्डिंग, ठीक है, पोलार्डिंग हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब ये कि जमीन से हम क्या करते हैं कि जो वृक्ष है, जो टिम्बर है, जब वो आपका पर्टिकुलर 6 से 7 फीट की ऊंचाई तक चला जाता है तो इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं, और इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो हल्का थोड़ा बहुत जो स्टम्स निकलते हैं वो 6-7 फीट की ऊंचाई पर है, तो क्या होता है कि जो जीव जंतु हैं उसको चारे के रूप में उसको खा लेते हैं, तो ये मेनली हमारा जो स्टैंड है वो 6-7 फीट का स्टैंड इसमें मिल जाता है।
हमको, ठीक है, और यही जो है अपना क्या करता है फिर बैट मैन्युफैक्चर करने का काम आता है। क्लियर इतनी चीज है, ठीक है, तो याद रखिएगा इतनी चीजों को। कोल्ड डेजर्ट में इतना ही चीज हमको पढ़ना था, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है, चलिए तो इतना हमको याद रखना है कोल्ड डेजर्ट में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो भी है सिलेबस का उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप नोट्स तैयार करिए, जितना पॉइंट आज मैंने बताया जो मेथड्स बनाए उसको ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तैयार करिए, एकदम बहुत डिटेल मतलब कितना सेंटीमीटर है क्या है उतना हमको समझने की जरूरत नहीं है। ये केवल आपको एक समझाने के लिए कि नाम इतना डिफिकल्ट ना लगे, इसलिए मैंने इसको आपको ऐसा बताया है इस डायग्राम के हिसाब से। क्लियर इतनी चीजें, ठीक है। अच्छा एक और बात पढ़ तू, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, एक एग्जाम आपका हो गया एनवायरमेंट का, ठीक है, उसकी रैंकिंग भी जारी की जा चुकी है। जिन लोगों ने मिस कर दिया है एग्जाम वो उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक आपका पीडीएफ अपलोड हो चुका है, आप जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है वो आप अपने डैशबोर्ड में जाकर के देखिएगा, उसमें सारा डिटेल आपको मिलेगा, अपकमिंग एग्जाम्स कब है वो डिटेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो एनवायरमेंट का पेपर हो चुका है उसका पीडीएफ अपलोड हो चुका है, अलग से आंसर की दिया गया है, क्वेश्चन पेपर अलग से दिया गया है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिस करिएगा। और जिन्होंने एग्जाम दिया है उसको उनको तो आपका जो रिस्पांस है उसमें आपको करेक्ट आंसर इनकरेक्ट आंसर वो सब कुछ हमेशा उसमें अवेलेबल रहेगा, उसको कभी भी देख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।